Hello students, welcome you all in the continuing the series of semiconductor. मैं प्रोफेसर आशीष भांडे, डायरेक्टर ऑफ भांडे सर एकेडमी, आप सबका भांडे सर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ. जो हमारा 12th का नया सिलेबस आया है उसमें मैंने सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके मैंने कुछ 5-6 वीडियोस आउट किए हैं. नाउ दिस इज द कंटिन्यू सीरीज विद द नेक्स्ट वीडियोस. सो आप लोग अभी लिंक में बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियोस को, और साथ में जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उस होमवर्क को भी आप सॉल्व कीजिए. ओके हाँ, यदि कोई डायरेक्टली वीडियो देख रहा है तो डायरेक्टली वीडियो ना देखे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर परेशानी होगी. तो इसके पहले वाला जो वीडियो है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो पहले देख लो, फिर फुल वेव रेक्टिफायर में जाएंगे. ओके सो बाय एंड लार्ज आपको मैं इस टॉपिक को कनेक्ट करने से पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा, क्योंकि इन दिनों अभी एडवर्टाइज का मोड चल रहा है, तो हम लोग भी थोड़ी बहुत एडवर्टाइज हमको भी करनी है, हमको भी बच्चों तक पहुंचना है. जो लाभ आपको हुआ है वो लाभ सबको होना चाहिए. इसलिए आई अपील थ्रू दिस वीडियो कि जो बच्चे अपने 12th वाले हैं इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले बैच को हम 45 डेज का फाउंडेशन कोर्स फ्री में देंगे. नाउ इट्स टाइम टू जस्ट डू दैट प्रॉमिस. तो उस प्रॉमिस के तहत हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है. नाउ इट्स अपील टू यू काइंडली उस फाउंडेशन कोर्स की लिंक को आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके थर्ड पार्टी फ्रेंड्स, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में होंगे उनको भेजो और उनको बोलो कि ये कोर्स जरूर जरूर देखे. बहुत ही अच्छा कोर्स है जो आपका 11th और 12th का फाउंडेशन बिल्ड करेगा और आपको आगे जेईई नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम में आएगा. बराबर है? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस लिंक को आगे शेयर करेंगे और आप अपने आप को भी हेल्प करेंगे और भांडे सर एकेडमी को भी हेल्प करेंगे. नाउ इसको जुड़ने से पहले मैंने रेक्टिफायर के बारे में विस्तृत में आपसे बात की थी. रेक्टिफिकेशन होता क्या है? रेक्टिफिकेशन होता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना. Rectifier does not convert pure AC to direct DC. No, it is only convert to pulsating AC. अब pulsating AC क्या होता है? जिसके अंदर ripple factor होता है, मतलब DC के अंदर AC component का होना, उसको बोलते pulsating DC. अब जो 12th वाले बच्चे उनके लिए धीमा धीमा आपको ये समझना है, मजा आएगा. JEE NEET के लिए जल्द ही अपनी सीरीज चालू हो रही, क्योंकि हम स्टेट बोर्ड को ही JEE NEET नहीं बोलेंगे, ये तो बेस है JEE NEET का, उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसकी डेप्थ अलग होगी. ये मैं आपसे इसके बाद वाला जब मैं एनालिसिस लेके आऊंगा हाफ वेव फुल वेव का, सो इट इज फुल ऑफ इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस. अभी कॉन्सेप्ट ठीक है. अभी देखो रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, हाफ में मैंने देखा है. Now, today we are going to understand the full wave rectifier. Now, full wave rectifier को समझने से पहले यह है उसका सर्किट. एसी सर्किट 230 वोल्ट सिंगल फेस 50 हर्ट्ज सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू डायोड D1 एंड डायोड D2. And these are short with each other and output is taken across load resistance RL. क्यों लेते हैं? नहीं तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए RL के across में हम लोग आउटपुट लेते हैं. जो नए नए बच्चे हैं वो यहां आके रुक जाते हैं और आंखें ऐसी बड़ी करके देखते, सर हे क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर है ना, ते पोलवर डिपित नस्ते का मुठ. तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? कुछ मेरे को कमेंट भी आई थी, यदि वो बच्चा देख रहा है इस वीडियो तो मैं बता देता हूं बेटा ट्रांसफॉर्मर क्या है. ट्रांसफॉर्मर ये ऐसा सर्किट है जो, क्योंकि हम लोग एमएसबी से तो छोटे छोटे टुकड़ों में एनर्जी नहीं ला सकते ना. जैसे हम लोग मान लो कि कोई चीज जब खरीदते हैं तो उसको बल्क में खरीदते हैं और जरूरत के हिसाब से फिर उसको उतने उतने टुकड़ों में बांटते हैं. तो ये यहां से पूरा बल्क में आएगा प्राइमरी में, और सेकेंडरी में आपका जो सर्किट होगा उस सर्किट के रिक्वायरमेंट से ये आउटपुट देगा. मान लो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं बेटा, देखो जिनको पता है ना वो सामने ले लो वीडियो, क्योंकि मुझे सभी बच्चों का ख्याल रखना है. मान लीजिए एलईडी है, अब एलईडी चल रहा है अपना 5 होल्ड पे, और आपका
वोल्टेज है 230 वोल्ट। भाई मेरे 230 वोल्ट आपने एलईडी को दिया तो वो एलईडी का आखिरी दिन होगा, है ना? वो एक बार जलेगा, उसके बाद में वो नहीं जलेगा। तो उसको 5 वोल्ट उसके हिसाब से ड्रॉप करके देने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। बहुत आसान भाषा में वैसे अपना डायोड भी है ना, बच्चा है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 25, 20 वोल्ट रेटिंग के हिसाब से, इसके ऊपर ये सहन नहीं कर पाएगा। आपने मान लो आपने दे दिया 230 वोल्ट का झटका डायरेक्ट डायोड को, क्या होगा? यहां से धुआं निकलेगा और आपको पहले डायोड दिखेगा और बाद में ऐसा काला काला सब्सटेंस दिखेगा जहां हड़प्पा संस्कृति जमा हो गई। तो उसको बचाने के लिए ट्रांसफॉर्मर में मिसकॉन्सेप्शंस ऐसे है बच्चों के कि ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट एसी टू डीसी, ना बिल्कुल नहीं। ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट हाइयर एसी टू लोअर एसी, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में ड्रॉप। अभी मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, एसी सर्किट्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मर को तहस नहस कर देंगे, उसको तोड़ के पढ़ेंगे, अभी नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगा वीडियो। अभी इसमें भी बड़े टाइप है, अभी का जो ये ट्रांसफॉर्मर है ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। मेरे गरीब बच्चों जो सेंटर टैप को नहीं जानते, द सेकेंडरी वाइंडिंग इज टैप्ड एट द सेंटर, वी कॉल्ड इट एज ए पॉइंट एम एंड इट इज एट द जीरो वोल्ट। मतलब ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो सेंटर पे टैप्ड होती है, मतलब ग्राउंड होती है, इसका आधा हिस्सा ऊपर होता है आधा हिस्सा नीचे होता है। इन शॉर्ट में यदि आप इसको ऑल्टरनेटिंग साइकिल दे रहे प्लस और माइनस, तो पहले पॉजिटिव के लिए ये पॉइंट प्लस होगा विथ रेफरेंस टू जीरो बिकॉज जीरो इज ए ग्राउंड रेफरेंस, और दूसरे निगेटिव हाफ के लिए पॉइंट बी पॉजिटिव होगा। क्लियर फ्रेंड्स? मतलब यहां पे अपने सिंपल ट्रांसफार्मर में कैसा, पहले वाला ए पॉइंट पॉजिटिव होता था, नीचे वाला बी नेगेटिव, फिर बी पॉजिटिव होता था, ए नेगेटिव। यहां ऐसा नहीं है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट ए विल बिकम पॉजिटिव विथ रेफरेंस टू एम, एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल पॉइंट बी विल बिकम पॉजिटिव विथ रेफरेंस टू एम। सो इट ऑल्टरनेट बिकम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया है ना? हाँ, बस अब यही तरीका मैं यहां आपको बताऊंगा। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन इट इज वेरी सिंपल। देखो बच्चों, यहां पे स्टेट बोर्ड में ज्यादा नहीं है, हम इंजीनियरिंग पॉली में जब ये पढ़ाते हैं तो जेईई नीट का जो है ना वो इंजीनियरिंग पॉली को है, उसमें मजा आएगा आपको, है ना? अभी तो ये बेसिक बेसिक है, धीमा धीमा चल रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। प्लस माइनस, प्लस जीरो टू पाई, पाई टू टू पाई, थ्री पाई, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। भाई मैं यहां से क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक दी लेआउट फॉर दिस। यहां मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल, अरे ये लाइन मारने का काम है, ये आपको बेहतर जमता है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। ओमेगा टी नाउ जीरो एंड जीरो, बराबर है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट्स फॉर जीरो टू पाई। तो हमारा ऑपरेशन के पहले हमने आपसे कहा था कि हम कुछ इस हिसाब से इसको समझेंगे, पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हाउ द कंस्ट्रक्शन विल बी, वेरी सिंपल। जे उड़ा डोड़ा नहीं दिखते त्याला कंस्ट्रक्शन असं म्हणतात। अभी मेरे शब्दों पे ध्यान देना। इट कंसिस्ट ऑफ 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्स एसी सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द डायोड D1 एंड डायोड D2 एंड आउटपुट इज टेकन अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RS। इसको बढ़ा भी सकते, इसको कम भी कर सकते, ये एक दो मास का मैटर होगा कि कंस्ट्रक्शन। इसके बाद में हम लोग जा रहे वर्किंग पे। सर कंस्ट्रक्शन एकदा पुनः सांगाना। ओके, हियर एसी 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई इज गिवन टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द डायोड D1 एंड D2, they are short and output is taken across load resistance RL, and don't forget the given transformer is center tap transformer, okay? Working, तो इसमें दो चीजें मैं divide करूंगा। पहले मैं 0 to pi, working for positive half cycle 0 to pi, 0 to pi इतने के लिए। अब देखिए क्या होगा, for positive half cycle point A becomes positive With reference to M, यहां कुछ होगा क्या? नहीं। Means diode D2 will not be in the picture। ये कौन है? Anode,
ये कौन है कैथोड, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है बच्चों नेगेटिव। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, डायोड डी इज इन द फॉरवर्ड बायस एंड एज डायोड डी इज इन द फॉरवर्ड बायस इट एक्ट एज ए क्लोज स्विच, इट एक्ट एज ए क्लोज स्विच एंड हेंस करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू डायोड डी एंड लोड रेजिस्टेंस आर एल। कहा जा रहा है लोड रेजिस्टेंस आर एल। मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल योर पॉइंट ए बिकम पॉजिटिव विथ रेफरेंस टू एम एज इट इज सेंट टैप, सो पॉइंट ए पॉजिटिव मेक्स योर डायोड डी विल बी इन फॉरवर्ड बायस, व्हेन डायोड डी विल बी इन द फॉरवर्ड बायस इट एक्ट एज एन क्लोज स्विच एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए डायोड डी एंड लोड रेजिस्टेंस आर एल, मीन्स द आउटपुट विल अपीयर्स हियर एंड दैट आई विल कॉल डायोड डी वन इज ऑन, मीन्स दिस आउटपुट विल अपीयर्स ड्यू टू द diode D1. Now I explain you for negative half cycle. अब मैं जा रहा हूं negative half cycle pi to 2 pi, मतलब अब मैं इस cycle के लिए explain कर रहा हूं। When I'll explain for this cycle, for negative half cycle point B will become positive with reference to M, A role में नहीं रहेगा। So when it becomes positive, now positive is connected to the positive of diode, hence your diode D2 will become forward bias. देखिए बच्चों ये positive हुआ, तो ये positive इसको दिया, तो diode D2 will become forward bias, act as a closed switch and current start flowing from diode D2 to load resistance RL, मतलब यहां पे आपका D2 क्या हो गया on, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, D1 ऑन D2 ऑन D1 ऑन D2 ऑन। अब इन दोनों का मैं टोटल आउटपुट लेता हूं तो क्या आएगा, ये साइकिल पॉजिटिव के लिए, ये साइकिल नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए चलता रहेगा एंड दैट इज आवर टोटल आउटपुट। तो ऐसा दिखेगा। अब देखिए इसको व्हाई इट इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर, इफ यू ऑब्जर्व दैट यू आर गेटिंग द आउटपुट फॉर बोथ द साइकिल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। Here you can observe, in the last lecture you can observe, in half wave rectifier the output will becomes only for the positive half cycle, not for the negative, and hence it was called as a half wave. Here we are getting the output for both the cycle, hence it is called as full wave rectifier. I hope you understand. So this is the simple construction and working of full wave rectifier. 12th science state board के लिए ये काफी अच्छा है, लेकिन JEE NEET aspirants के लिए basic समझ लो। मैं next videos लेके आ रहा हूँ analysis of half wave and full wave, उसके अंदर मैं बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ जो इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा integration पढ़ के आइए, थोड़ा सा derivative पढ़ के आइए, उसमें मजा आएगा। next इसके बाद अपनी वही series आएगी और वही videos हम लोग shoot कर रहे हैं और आपके लिए upload कर रहे हैं about the analysis of half wave and full wave rectifier। समझ में आया बेटा? तो ये फुल वेव का आउटपुट आपको आ गया है। फिर से बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर्स, मैं सभी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको विश्वास देना चाहता हूं कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लॉकडाउन कितना भी बढ़े, बट आई एंश्योर यू योर होल सिलेबस विल बी कंप्लीट बाय आवर एकेडमी एंड वी आर। आप बोल रहे हैं YouTube पे तो अपने ज्यादा वीडियो, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि YouTube पे अपने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आ रहे हैं, अपने अलग प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे और वो मिलते रहेंगे। इज इट क्लियर? सो विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।